14 फरवरी 2022 पूर्ण देश में असंभव असंभव। और आज नवंबर 2022 गवर्नमेंट है वो ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने की प्लानिंग कर रही है और ऐसे में हम शायद बहुत जल्दी BGMI और फ्री फायर को इंडिया में वापस देख सकते हैं। हाँ तो गाइस भाई सुन लिया आपने खबर भाई, फ्री फायर अनबैन, क्या ये सच में बैन होने वाला है? वैसे ही ट्रूमर ना गाइस काफी दिनों से फैला रहा है भाई, पैन एंड बैन अब होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, कब से चल रहा है यार, सभी लोग बता भी रहे हैं बैन होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन फाइनली फिर से एक न्यूज आया है फ्री फायर अनबैन के बारे में। वैसे पता होगा ऐसे यार कुछ भी हो जाए भाई, पहाड़ी दस्तर कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, पृथ्वी गिर जाए, लेकिन घरेलू वाले कुछ नहीं कहेंगे यार, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कुछ बताते ही नहीं है। बट मैं बता दूं इस बार कुछ होने वाला है। वैसे यार कुछ भी कर लो घरेलू तो तुम्हें बताएंगे है नहीं यार क्या होने वाला है, लेकिन हाँ तुम लोग ऐसे इधर उधर से लीक से समझ सकते हो क्या होने वाला है। और गेम के फाइनली जो हालात अभी ठीक हुए हैं ना, उसे देख के तो गाइस फाइनली लग रहा है कि हाँ शायद से 2023 में वापस आ सकता है फ्री फायर अनबैन हो सकता है। और इतने बड़े बड़े यार क्रिएटर वगैरह बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होने वाला है ना। और देखो गाइस तुम लोग को यकीन देने लगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तुम लोग को पता होगा जब से दिवाली आया था ना, उस टाइम पे बैन हुआ था तो फ्री फायर पूरा का पूरा डाउन, मतलब करीना वाले भी इवेंट बहुत ज्यादा कम आ रहे थे, उसके ऑफिशियल चैनल पे देख लो वो भी एक भी पोस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से पहले से करीना वालों को इंस्टाग्राम ऑफिशियल चेक कर लो, वहां पर आपको भर भर के पोस्ट मिलेंगे डेली की डेली गाइस न्यू इवेंट के, और काफी सारे जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक यार तुम उसका फेसबुक चेक करोगे तो फेसबुक पेज पे तुमको बहुत सारे इवेंट के पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि डेली हो रहे हैं हर एक घंटे पे। और यहां तक यार उसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि यूट्यूब पे है, वहां पर पता होगा ना कुछ इवेंट से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन अभी देखोगे भाई भर भर के आ रहा है। और मेन तो गाइस अभी हाल में पता होगा एक लाइव टूर्नामेंट भी, ई स्पोर्ट भी चल रहा था भाई, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके सो तुम लोग इसके भी यकीन नहीं करने वाले, मतलब और भी कुछ दिखाता हूँ। तो देखो अब तुम गेम के अंदर चले जाना और यहाँ पर एक न्यू इवेंट आया द अरीना, अब ये कमिंग सून दिखा रहा है भाई, ये क्या हो सकता है पता है तुमको? तो देखो जैसे कि तुमको पता होगा अभी न्यू गाइस वर्ल्ड सीरीज शुरू होने वाला है और ये वर्ल्ड सीरीज पूरा लाइव होता है, आपको पता होगा इस मेन चैनल पे लाइव चलने वाला है जिसके अंदर काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, वाचिंग के लिए कंप्लीट करना इस तरह से होता है। और तुम लोग सोचो ना जो कि बैन है उस पे टी स्पोर्ट का ई स्पोर्ट का टूर्नामेंट वगैरह होना भाई पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार कुछ तो अंदर अंदर हो रहा है भाई, लेकिन हमें फ्री फायर वाला बता नहीं रहा है, वो फाइनली एक बार होगा तो बताएगा, वरना तो कुछ भी बाहर निकलने वाला है नहीं। और शायद से यार ऐसे बैठा तो नहीं रहने वाला भाई, कुछ तो कर ही रहा होगा। बट एक और चीज है मेन गाइस, सबसे मेन तो गाइस ये होने वाला, तुम सभी तो गाइस जानते होगे जब से गेम बैन हुआ था ना तो गेम के गाइस जो फ्री फायर के ऑफिस पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर होते हैं ना, उन सभी को इवेंट थोड़े कम आ रहे थे, उन लोगों को भी मिल नहीं रहा था कुछ वगैरह। लेकिन अभी तुम लोग गाइस पता होगा फिलहाल में एक इवेंट चल रहा था गाइस, एक लाइव स्ट्रीम जिसके अंदर गाइस इवो फीस्ट का स्किन का गिवअवे हो रहा था, और ये भाई बहुत बड़ी बात है गेम के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से गाइस ये चीज नहीं हो रहा था। और फाइनली फ्री फायर ने अपने जितने भी पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर थे ना सबको बोला था गाइस इवो फ्रीज इनका लाइव स्क्रीन लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अब ये सोच सकते हो गाइस गेम बैन है, गेम में कुछ होने ही नहीं वाला, तो भाई आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है यार लाइव स्ट्रीम भाई, वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट मतलब फिर से स्टार्ट होने वाला है, बाकी बहुत सारी चीजें और भी जो कि बहुत दिनों से बंद थे जब से बैन हुआ था, अब वो धीरे धीरे करके एक एक सबको धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि यार कुछ तो होने वाला है ना, शायद से वो आने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा भाई, फर्स्ट में आपने देखा होगा इतने बड़े क्रिएटर जो कि खुद ही बोल रहा है, तो यार मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस, आप समझ सकते हो भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर बोल रहे हैं तो शायद सरकार से यार कुछ बात वगैरह चल रहा है, शायद वो आ सकता है। बट यार कुछ भी हो गेम तो आ जाएगा फाइनली, शायद से किस तरह से लाभ मिले, लेकिन ये लोग भाई ऑडियंस को कैसे लाएंगे, क्योंकि पता होगा ना बहुत सारे ऑडियंस फ्री फायर को क्विट कर चुके हैं इस बैन की वजह से। अब करीना को गाइस पुराने प्लेयर को लेकर आना है, तो यार जब फ्री फायर आएगा ना तो उससे ना फ्री फायर को ओल्ड वर्जन में रिलीज करना होगा, फिर से भाई उस गेम को ओल्ड बनाएगा, तो शायद हो सकता है यार कुछ प्लेयर आने वाले, क्योंकि भाई जितना मजा ओल्ड फ्री फायर खेलने में आता था ना उतना तो न्यू आता ही नहीं गाइस, अपडेट पे अपडेट डाल के भाई पूरा फ्री फायर बेकार हो चुका है यार, और इवेंट तो इतने ज्यादा लाते हैं जैसे कि यार सारा का सारा लूट ही लेंगे ये लोग भाई। ओके सो जितना कुछ था गाइस मैंने तुमको बताया दिखाया सब कुछ, और एक तो ट्वीट भी वायरल हो रहे थे, वो भाई बोला जा रहा था गाइस वो गरीना का जो कोई
काम करने वाला मतलब उसके अंदर है कुछ वैसा ही, वो भी बहुत ज्यादा मतलब वो भी वायरल हो रहा था, उससे बोल रहे थे गाइस कुछ तो होने वाला है। बट जो भी हो रहा है सामने तो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में गेम वापस आने वाला है, बट वापस आके भी पता नहीं क्या करने वाला है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी गाइस बहुत सारे जा चुके हैं। और अब तुम लोग बताना गाइस क्या अगर ये गेम वापस आया तो इसके ऑडियंस फिर से वापस आएंगे, तुम लोगों ने कमेंट में जरूर से बताना। और बोला तो भी जा रहा है 2023 तक शायद से हमें कुछ देखने को मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता गाइस इतना जल्दी हो सकता है, 1-2 महीने में मतलब कुछ हो सकता है क्या? शायद से यार हो जाए न्यू ईयर में कुछ दे दे सरप्राइज तो ठीक ही है भाई। ओके और तुम लोग बताना गाइस तुम लोगों को गाइस ओल्ड फ्री फायर चाहिए तो एक कमेंट में जरूर से कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके सो चलो गाइस मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सो बाय बाय।